राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों पर मंथन जारी है। मंथन इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 मेंबर्स को राज्यसभा भेज सकती है और ये 3 मेंबर कौन होंगे इस पर मंथन जारी है। कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, ये बात क्लियर है। कपिल सिब्बल ने नामांकन कर दिया है, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद थे। बची हुई 2 सीटों में से 1 सीट किसी मुस्लिम के खाते में जाएगी, ये बात भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब जो 3री सीट है उस पर कौन जाए, उस पर जाए अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव या फिर जयंत चौधरी, ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन जाता है। क्योंकि अगर डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जाती हैं तो फिर वो आजमगढ़ का बायपोल लड़ सकती हैं, और अगर यहाँ से जयंत चौधरी जाते हैं तो शायद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और RLD का गठबंधन होगा तो RLD फिर से 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। अगर जयंत चौधरी नहीं जाते हैं तो फिर 2024 में वो 6-7 सीटें तक भी मांग सकते हैं गठबंधन में। तो हर फैसले का जो भी नतीजा होगा वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर जयंत राज्यसभा जाएंगे तो 2024 में उनकी पार्टी कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अगर जयंत राज्यसभा नहीं जाएंगे तो डिंपल राज्यसभा जाएंगी और 2024 में RLD ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो देखने वाली बात होगी जयंत या डिंपल में से कौन जाता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि 2 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। 3री सीट पर जयंत चौधरी या डिंपल यादव, इनमें से ही एक को जाना है, और जो भी जाएगा उसके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनावों में सीट का बंटवारा होगा, और साथ ही साथ कुछ मनमुटाव भी आ सकते हैं इस फैसले को लेकर सपा और RLD के बीच में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कितने भी मनमुटाव आए ये 2024 तक ठीक भी हो जाएंगे और 2024 में दोनों पार्टियां एक साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी भी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।